हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्या आ सकते शॉर्ट। क्या आ सकते शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ एक्सरसाइज 7A ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्वेश्चन नंबर 20 में दो पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम यहाँ करने जा रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है आपको लेफ्ट हैंड साइड sec थीटा माइनस वन अपॉन sec थीटा प्लस वन इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे लेते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड, इसमें लिखा हुआ है sec थीटा माइनस वन अपॉन sec थीटा प्लस वन। sec थीटा को अगर हम एक्सपेंड करें, sec थीटा का जो फॉर्म होता है वो होता है वन बाई cos थीटा। तो इसे हम लिख लेते हैं वन अपॉन cos थीटा माइनस वन वन अपॉन cos थीटा प्लस वन। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे आएगा cos थीटा, तो ये हो गया वन माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू वन प्लस cos थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके बाद से हम लिखेंगे वन माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में है पोर्शन ऊपर जाएगा, तो ये cos थीटा कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के साथ, और यहाँ पे हो जाएगा नीचे वन प्लस cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो गया, हमारे पास जो वैल्यू आई है वन माइनस cos थीटा अपॉन वन प्लस cos थीटा। अब देखिए हमारा जो RHS है वो कुछ इस तरह से है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। हमें जब क्वेश्चन सॉल्व करना होता है तो हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि हमें प्रूफ में करना क्या है। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है वन माइनस cos थीटा अपॉन वन प्लस cos थीटा, और जो प्रूफ करना था वो था साइन स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। दैट मीन्स कि हम सही जा रहे हैं, वन प्लस cos थीटा नीचे यहाँ भी आया है और यहाँ भी आया हुआ है, बट यहाँ पे स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब कि वन प्लस cos थीटा हमें टू टाइम्स चाहिए, और टू टाइम्स तभी हो सकता है जब हम वन प्लस cos थीटा का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर दें। तो कर लेते हैं, वन प्लस cos थीटा का मल्टीप्लिकेशन अगर हम न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में कर दें तो हमें क्या मिलेगा, ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये हो गया आपका वन माइनस cos स्क्वायर थीटा, और यहाँ से हो गया वन प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो आपने यूज़ किया है वो ये यूज़ किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका यूज़ यहाँ पे हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट क्या होगा, वन माइनस cos स्क्वायर थीटा, वन माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा, और जो आपका डिनोमिनेटर है वो होगा वन प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था। अब ये साइन स्क्वायर थीटा कहाँ से आया है, ये आया है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है वन। तो यहाँ से अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा वन माइनस cos स्क्वायर थीटा, जो मैंने यहाँ पे इसकी जगह पे यहाँ लिख दिया है, यही आपका राइट हैंड साइड है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट, आगे देख लेते हैं कि इसका सेकेंड पार्ट हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड पार्ट है देखिए कुछ इस तरह से, sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो है आपका sec थीटा माइनस tan थीटा अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा को हम क्या लिखते हैं, वन बाई cos थीटा, इसे पहले हम साइन और cos के फॉर्म में चेंज करेंगे। sec थीटा को लिखते हैं वन बाई cos थीटा माइनस tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। उसके बाद से यहाँ पे देखिए sec थीटा को लिखते हैं वन बाई cos थीटा प्लस tan थीटा को लिखते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे cos थीटा जो है वो आपका LCM हो गया, तो यहाँ पे वन माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा हुआ, तो ये आपका हो गया वन माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इस पूरे के अपॉन ये हो गया वन प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा, वन प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा। अब इसे हम किस तरह से लिखेंगे, ये आपका हुआ है वन माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होगा जब तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा cos थीटा अपॉन वन प्लस sin थीटा। यहाँ से cos cos कैंसिल हो गया, तो जो वैल्यू आई वो आई वन माइनस sin थीटा अपॉन वन प्लस sin थीटा। मैंने आपको बताया कि हमेशा प्रूफ करते टाइम हमें ये देखते हुए चलना है कि
क्या प्रूफ करना है हमें? हमें जो प्रूफ करना था वो है cos square theta upon 1 plus sin theta का whole square. 1 plus sin theta यहाँ denominator में आ चुका है, but जो प्रूफ करना है वहाँ पे 1 plus sin theta का square है. That means कि हमें यहाँ पे numerator में और denominator में 1 plus sin theta का multiplication करना होगा. ये हमने कर लिया. अब ऊपर क्या बचा आपका? ऊपर बचा आपका 1 minus sin square theta. कैसे बचा? बिकॉज हमें ये पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी. तो ये आपका ए माइनस बी है और ये आपका ए प्लस बी है. यहाँ पे हम इसे मेंशन भी कर ले रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी. इसका यूज़ हमने यहाँ कर लिया है. वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर. ये कैसे आ गया? हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है वन. तो यहाँ से वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा. और यही है आपका राइट हैंड साइड. ये रहा क्वेश्चन नंबर 20th का सेकंड पार्ट. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 20 आपको सॉल्व करके दिखा दिया है. तो वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.